देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, सभी लोग ढंग से सुनना। कल एसएससी सीजीएल 2018 का रिजल्ट आया, 2018 मार्च में नोटिफिकेशन आया था आसपास लगभग, और आज 2021 हो गया। 11,003 बच्चों की नौकरी लगी है, 11,003 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप समझ रहे हो 11,003 बच्चों की ना जिंदगी बन गई है, कितनी खुशी होती है। अभी वो ज्वाइन करेंगे, अगर वो मतलब मेट्रो सिटीज में जाते हैं, दिल्ली में या बड़ी सिटीज में होंगे, लखनऊ में, बॉम्बे में, यहां पर उनकी सैलरी 65,000 के आसपास होगी, 65,000। पूरे घर पूरे परिवार वालों का स्वास्थ्य जो उनका खर्चा है, मेडिकल जो है वो फ्री रहेगा, उनको रहने के लिए उनको घर भी दिया जाएगा, ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलेंगे, पेट्रोल महंगा हो रहा, पेट्रोल का पैसा भी मिलेगा। तो उनकी जिंदगी बन गई। क्यों बनी? वो कि उन्होंने डिजर्व किया, पेशेंस किया, पेशेंस रखा। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो भाई दोनों चीजों की जरूरत है, आपको थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए। तुम्हारे अंदर पेशेंस तो है नहीं बिल्कुल भी, थोड़ी सी बात बोलो हवा आ जाते, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अरे थोड़ा धैर्य रखा करो, धीरज रखा करो, मन को शांत रखा करो, थोड़ा इंतजार करना सीखो, इंतजार। अगर आज आप 2021 में तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पहली तनख्वाह, आप कितना भी अच्छा काम करो अपनी तरफ से, 2024 के एंड में आके लगेगी। आपके अंदर दो दिन का भी पेशेंस नहीं है, कैसे इतने साल पेशेंस रखोगे। जिस बंदे के अंदर आज के जमाने में धैर्य नहीं है, वो उसके लिए सरकारी नौकरी वाला फील्ड ठीक नहीं है। तो सबसे पहले पेशेंस लाओ, मन को शांत करो। जो हड़बड़ाहट वाले बच्चे ना हड़बड़ाहट करते रहेंगे और ऐसी बूढ़े हो जाएंगे, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूअस लगातार पढ़ाई बिना गैप करे। एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया और एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसका कोई फायदा नहीं है। पढ़ना है तो हर दिन 8 घंटे पढ़ो, कोई नहीं कह रहा कि दिन में 15 घंटे की पढ़ने की जरूरत है, 8 घंटे से काम चलेगा, पर हर दिन पढ़ना है, 8-10 महीने तक लगातार पढ़ना है। केवल प्रैक्टिस ही, सर मुझे गणित समझ नहीं आ रहा, मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, कहां से प्रैक्टिस करूं, मर गया मैं, ये हो गया, वो हो गया, कीड़े पड़ गए। अरे गधो, केवल एक ही चीज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। केवल प्रैक्टिस करने से ही तुम्हारा सुधार हो सकता है। बाकी जो भी कोई तुमसे कुछ कहता है, कोई टीचर तुमसे कुछ कहता है, कहीं किताबों में कुछ लिखा हुआ है, सबको ऐसे 32 बना के फेंक दो, कोई फायदा नहीं। ऑल आर नॉनसेंस। ओनली प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है जो आपको कामयाब बना सकते हैं। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा बढ़िया कंटेंट की, वही आगे जाएगा। एक ही लाइन में सिलेक्शन का राज छुपा हुआ है, पर तुमको तो जो है इधर उधर ध्यान भटकाना गधोक तेरे।